शुरू करने से पहले हम लोग दुआ मांगे। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस संडे के लिए, जबकि सीनियर सिटीजन संडे आज बनाया जाता है पिता। इस संडे जो सीनियर सिटीजन है, हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि बाइबल कहती है पके बाल घर की शोभा होते हैं। और वास्तव में पिता, जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो कि हमारे चर्च में पाए जाते हैं, उन सबों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपकी कुव्वत उनके जीवन के अंदर बनी रहे और आपके नाम को वो रोशन करें, आपके नाम को वो उठाते हुए चलें पिता। और हमारे चर्च के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जबकि जो बुजुर्ग हैं उन्होंने आपको, हमारे चर्च को पिता ग्लोरी के रूप में और एक आशीषों के रूप में दिया, उनको संभाल के रखें, उनको हर प्रकार से आप महफूज रखें पिता। पिता, सबों के लिए हम दुआ चाहते हैं, उन सबों को आप महफूज रखें और पिता आपका जलाल उनके जीवन के द्वारा जाहिर होने वाला हो जाए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को आपके खिलौते बेचे हमारे उद्धारकर्ता हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मधु मारक नामियों के मांगते हैं, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम सीनियर सिटीजन संडे मनाने जा रहे हैं। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ और यीशु के लहू में आप सबों को ढांपती हूँ, क्योंकि इस समय भयंकर बीमारी फैली है, पर आप सभी प्रभु में सुरक्षित रहें, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आप सब लोग हमारे चर्च की बुनियाद हैं और आप लोगों के कारण ही घरों और कलीसियाओं में आशीष है। आखिर में मैं यही कहती हूँ, हमारा यह फर्ज है कि अपने सीनियर और अपने माँ बाप का ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाप को बुढ़ापा इतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद व कलीसिया का रवैया कमज़ोर कर देता है। सीनियर उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ के छाया देते हैं। थैंक यू, सबों को जय मसीह की। हम प्रेज एंड वर्शिप में हिस्सा लेंगे, परमेश्वर की इबादत हम कुछ गीतों के माध्यम से करेंगे। I'm not afraid to die.
पिता परमेश्वर ने सुंदर दिन आपको उठाया। प्रभु हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। प्रभु हमने जैसी भी स्तुति आराधना करी वो आप तक पहुँचने वाली हो सके और बहुत से दिल प्रभु इससे बदलने वाले बन सके और तेरे करीब आने वाले बन सके। जैसा हमें बीते समय संभाला है आने वाले समय हमारी सहायता मदद करेगा। सब कुछ मांगते हुए उद्धार करता खुदावन्द यीशु नासरी के वसीले से आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम कुछ टेस्टिमनी सुनेंगे हमारे बुजुर्गों से कि परमेश्वर ने उनको कैसे संभाल कर रखा, कैसे उनको कुवत दी कि वो परमेश्वर की आशीष को देखें। एंड नाउ इट्स अ टाइम टू टेस्टिमनी शेयरिंग एंड वी विल हियर आवर एल्डर्स पीपल एंड हाउ द लॉर्ड आवर गॉड प्रोटेक्टेड देम एंड ऑल्सो दे एंड ही गेव देम द विजडम एंड ही गेव देम द फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड वी विल हियर देयर टेस्टिमनी टुडे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ स्मॉल लिटिल टेस्टिमनी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड फ्रॉम माय लाइफ व्हाट्स बीन हैपनिंग टू अस फॉर द लास्ट 5 months। व्हेन एज़रा आस्क्ड मी टू शेयर माय टेस्टिमनी आई वाज वंडरिंग व्हाट आई शुड शेयर बिकॉज नथिंग स्पेक्टेकुलर और मिरेकुलस हैज हैपेंड लाइक एन इवेंट इन माय लाइफ। जब एज़रा ने मुझसे कहा कि आपको गवाही शेयर करनी है तो मैं सोच लेती हूँ कि क्या कहूँ, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार मेरी जिंदगी में नहीं हुआ जिससे मैं एक गवाही के रूप में आपको बता सकूँ। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस सुबह, क्योंकि उसने हमें संभाल कर रखा, 5 महीने तक हमारी देखभाल करी। ही हैज गिवन अस फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वेयर एंड अ ब्यूटिफुल फैमिली, अ शेल्टर, अ रूफ ओवर अवर हेड। बट बियॉन्ड दिस I want to thank God for the last 5 months. My husband has been going through dialysis. Most of you know, मेरे पति के dialysis चल रही थी पिछले 5 महीनों से। और ऐसे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमें मजबूरी थी and we had to go. Many people, elderly people stay at home. They don't step out of the house. But because my husband has to go twice a week for dialysis, we set out of the house with the confidence and boldness. And for the last 5 months, God has been so good. Even though we sit in the hospital for 4.5 hours continuously with other patients, He has kept us safe. बिल्कुल 4-4.5 घंटे हमें दूसरे मरीजों के साथ अस्पताल के अंदर बैठना पड़ता है हफ्ते में 2 बारी, बट फिर भी परमेश्वर इतने अच्छे हमें अच्छी तरह से हमें संभाल कर अच्छी सेहत दी, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके दौरान हमने ये सीखा है कि भजन संहिता 90:10 में कहा है कि हमारे जीवन की आयु 70 या 80 साल ही होगा, लेकिन उसके अंदर हमें बहुत सारे कष्ट और दुख ही दुख है। लेकिन भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि हम तो अपने दिन गिनने की समझ दे और बुद्धिमान हो जाए। Lord teaches to number our days. Our years may be just 70 years or 80 years. In Psalm 90, the psalmist has so beautifully said in verse 10, the length of our days is only 70 or 80 years and it's full of troubles and sorrow. But the psalmist says, Lord teach us to number our days. Hamein buddhi aur samajh de Prabhu ji taki hum hamare aayu ko gin sake. That's what I have learned. When I sit outside in the hospital, I see so many people with no hope. ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं, रोते हैं क्योंकि उन्हें आशा नहीं है। लेकिन हमारा भजन संहिता में परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारा आयु सिर्फ 70 या 80 साल का है, लेकिन उसके दौरान हमें बुद्धि और समझ चाहिए कि हम हमारे जीवन को किस प्रकार जिए। एंड इन साम 115:7 सेज, इट इज नॉट द डेड हु प्रेज द लॉर्ड, इट इज यू हु एक्सटॉल द लॉर्ड, हाउ गुड यू आर forever and ever, praise the Lord. भजन संहिता 115:17 में लिखा है कि मृतक चुपचाप पड़े रहते हैं तो वह प्रभु की स्तुति नर्क नहीं कर पाते। इसलिए जो भी जीवित है वो हमें क्या करना है, प्रभु का निरंतर स्तुति और धन्यवाद देना है। इसलिए मैं अय्यूब की बीवी के समान नहीं हूँ जो मूर्ख थी और उसने परमेश्वर को निंदा करी। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक द वाइफ ऑफ जोब who told him that you curse God and you die because God has not given you good health, he's not healed you. But he called her a foolish woman.
And he said, he told her, is it only the good things of life that you have to accept from God and not the bad? अयूब ने उसको ये जवाब दिया कि क्या हम परमेश्वर से सुखी लेते रहेंगे दुख नहीं, और उसे चुप कराया, उसे मूर्ख कहा। इट इज डिफिकल्ट, इट इज पेनफुल, काफी दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा निरंतर करना है और प्रभु हमसे ये उम्मीद करता है। तो आई हैव लर्न दिस लेसन दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स, ऑल आवर प्रॉब्लम्स, मे बी इट्स नॉट येट सॉल्व, गॉड हैज सेड इन ऑल दैट कंटिन्यू टू गिव थैंक्स टू मी। दैट्स व्हाट अ बिग लेसन आई हैव लर्न। द सिचुएशंस मे रिमेन द सेम, बट आवर गॉड नेवर चेंजेस, एंड ही हैज प्रॉमिस्ड अस इन 2 कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 13 that he will not allow us to be tested more than what we can bear. He will make a way out. और मैं इस वचन में प्रभु को प्रभु पर विश्वास करती हूँ कि जो पहला कोरिंथियन 10वां अध्याय 13 पद में लिखा है कि वो तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, और जितना तुम सहन कर सकते हो उतना ही वो तुम्हारी परीक्षा लेगा, और तुम्हें इस परीक्षा में बाहर निकालने की एक तरीका भी दिखाएगा। तो प्रभु का वचन मेरे लिए बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास बढ़ाता है, और प्रभु के वचन के दौरान मैं जीवन बिताती हूँ। आई स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई नो दैट इट इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, इट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू गो थ्रू ऑल द सफरिंग्स एंड ट्रबल्स। एंड एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर एनकरेजिंग मी विद लॉट ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम फ्रेंड्स। निरंतर हमारी जो सहेलियाँ हैं, दोस्त है, परिवार जो हमें जानते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा विश्वास है कि प्रभु उनके विश्वास के दौरान जो प्रार्थना की जाती है उसे हाँ और आमीन में जरूर जवाब देगा। एंड एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर टीचिंग मी थ्रू हबाकुक चैप्टर 3 वर्स 17, व्हाट डज द लॉर्ड एक्सपेक्ट ऑफ यू देयर। हबाकुक सो ब्यूटिफुली ही सेज, दो द फिग ट्री विल नॉट ब्लॉसम, there is no olive in the plants, olive plants are all empty, the field has no food, no grains, there is no sheep or goat in the pens, there is no cattle, but yet he says I will rejoice in the Lord. Habakkuk 3:17 में इस प्रकार लिखा है कि अंजीर नहीं है और पेड़ों में दाख लताओं में फल नहीं है, और जो जैतून के पेड़ है उसमें भी फल नहीं लगा है, और खेतों में कोई अनाज नहीं है, भेड़शाला में भेड़ बकरियां नहीं है, और गाय बैल भी नहीं है। लेकिन वो कहता है 18 पद में, हबाकुक 3:18 में, तो भी मैं प्रभु के कारण आनंदित और प्रशंसा करता रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि बेशक हमारे पास काम नहीं है या हमारे नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, क्या हम परमेश्वर के ऊपर अपनी नज़र रखकर धन्यवाद परमेश्वर आप इसके बीच में से हमें निकाल कर अच्छे दिन दिखाएंगे। डू वी हैव द फेथ दैट इवन दो थिंग्स आर नॉट राइट फॉर अस, वी आर गोइंग थ्रू दिस टेरिबल एपिडेमिक ऑफ द कोरोना वायरस, गॉड विल सी अस थ्रू एंड टेक अस ऑन द अदर प्रॉमिस्ड लैंड। थैंक यू। हाय, a very good day to you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Omar Luther King is my name. I am a member of this Apostles Methodist Church, and my entire family have been baptized in this church, and I'm the only one who was baptized in Baptist Church in Guwahati, Assam. You'll be happy to know that I am one of the oldest members of this church, in the sense that I have been a member of this church for the last over 40 years now. So being an old member, I would like to tell you that this church has been a blessing for my family, for every member of my family, and it is also a blessing for you all, I'm sure. And I'm here to tell you that we should live as united as a church, as a body of Christ, and love one another and be for one another at the service of God. Let God use you and me and all of us for His glory. I have reached an age of 75 now,
and God is using, still using me for His glory. God, my elder son was dedicated here to the service of God, and he is now a Christian missionary along with me, and God is using us. In the same way, God will use every one of you, even however old you may be, even if one of us are in bedridden, still God can use us. Like I don't go out of my house anymore, and yet from home, through the social media, I'm able to speak about Jesus to all the Muslims, to all the Hindus, to all the non-believers, and also to the Christians who need Jesus. So if God can use me, He can use you, and God will use all of us, and let us allow Him to use all of us. And let me end here with my favorite verse from the Bible. It's from Romans chapter 14, verse 8. It says, if we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Praise the Lord that all of us here, we all belong to Him, and let Him use us, and let us live and die for God alone. Praise the Lord. Amen. परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी को और सारे सीनियर सिटीजन को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। आज हम लोग सीनियर सिटीजन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस करा, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जब इस महामारी कोविड-19 की चर्चा दुनिया के हर कोने कोने में होने लगी, यह कहा जाने लगा बुजुर्ग लोग इस महामारी से बचें, जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आए उनको फॉलो करें। सारी दुनिया में सीनियर सिटीजनों की मौत की खबर जोरों पर थी, और ख़ास तौर से उन देशों को सुन के और डर में थोड़ा सा डर लगने लगा, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मन, जापान और बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री के देश जो आत्मनिर्भर थे सारे हर चीज़ों में, उसमें ऐसी बीमारी फैल रही है और लोगों की लाशों का ढेर लग गया है। उसको टीवी और खबरों में देख देख के दिल घबराने लगा। एक दिन जब हम लोग बैठ के बाइबल पढ़ रहे थे, तो तुरंत एक वचन हमको मिला, वो था यशा 46 वर्स 4। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ था, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुमको बनाया है और तुम्हारे लिए तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, छुड़ाता भी रहूँगा। इस महामारी को जो बुरी तरह से फैली हुई थी, जब इस वचन को पढ़ा तो कुछ साहस मिला कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो हमको छोड़ देगा। उसने हमसे वादा कर दिया कि मैं तुमको उठाए रहूँगा, मेरी ओर ध्यान से सुनो। आगे लिखा है, जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मेरे को विश्वास मिला और हौसला मिला। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में किए हुए वादे को पूरा करता है। जो वादा परमेश्वर ने इस वचन में किया, वो पूरा भी करेगा। ये विश्वास हमारा हो गया। और यशा 41:10 में जब पढ़ा मैंने, तो उसमें लिखा था, सीनियर सिटीजनों, हमारे बुजुर्गों, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुमको दृढ़ करूँगा और तुम्हारी सहायता भी करूँगा, और अपने धर्मय दाने हाथ में से तुम्हें संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर का एक वादा और मिल गया, जिससे हम मजबूती पाते चले गए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो वादे हमसे किए हैं वो पूरे करता है और उसको निभाता भी है। मैंने इन दिनों में यह महसूस किया, हमारी सारी शोभा हमारे नाती पोते हैं, और हम अपने बाल बच्चों के लिए एक शोभा हैं। लॉकडाउन के समय में बहुत सारे परिवारों ने अपने माता पिता को ओल्ड होम में छोड़ दिया, और मैं बच्चों को यहाँ पे एक शिक्षा देना चाहता हूँ। जैसा कि नीति वचन 23:22 में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुन, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। लॉकडाउन के समय जैसा वचन में लिखा है, भूखों को खाना दो और कपड़े दो,
लगभग 50 मजदूरों को एक महीने तक लंच और डिनर डेली हम लोगों ने दिया। 7 मिशनरियों की हम लोगों ने मदद की, पूरा राशन डाला, इसके साथ साथ उनको 500-500 रुपये से और मदद भी की। इसी बीच जो भी हमारे पास गरीब आया राशन पाने के लिए, हमने उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया किया हमने। और हम अगर देखते हैं वचन में लिखा हुआ है, जैसा कि शैतान का पूरा जोर चर्च को बंद कराने के लिए था, लॉकडाउन हर घर में एक चर्च के रूप में बदल गया और घर घर में वचन पढ़ा जाने लगा, प्रेजेंट वर्शिप होने लगी, प्रेयरें होने लगी। जो पहले बहुत कम घरों में प्रेयर करते थे या दुआ गंजी करते थे, वो लोग भी वचन को पढ़ने लगे और दुआ बंदी करने लगे। हमारे चर्चों में भी रोज शाम को रेवरेंट जॉन विश्वास के द्वारा बाइबल स्टडी ऑनलाइन लगातार रोज शाम को 7:30 बजे से होने लगी और जो कि अभी तक लगातार चल रही है। ये भी एक अपने जिंदगी का हम लोगों ने एक नया एक्सपीरियंस देखा कि कभी इतने साल तक हमने किसी भी जगह ऐसा नहीं देखा कि लगातार चर्चों से ऑनलाइन या जूम पे बाइबल स्टडी हो रही हो या दुआ बंदगी हो रही हो। अंत में मैं आपको चंद बातें बता के खत्म करना चाहूंगा। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे और अपनों को ना छोड़ेगा, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुना दूं। आमीन। How wonderful God that we serve, and we are really blessed by hearing the testimonies from our elders, people of AMC, Apostle Methodist Church. May God bless them abundantly, and may God give them the long life so they may see the glory of God in their lives. अब ये वक्त है ये स्पेशल नंबर का, और मैं निवेदन करता हूँ इस हमारे सीनियर सिटीजन से, हमारे बुजुर्ग से, कि वो आए और स्पेशल नंबर हमारे साथ गीत के माध्यम से वो बांटें। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। पकड़ कर चलाया, ले आया जियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा
प्रकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया जिया ले में, क्योंकि यीशु भला है, है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीनता तू विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीनता तू विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है, है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। Praise God for the such wonderful and wonderful song. अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का। For today's scripture reading portion has been taken from the book of Genesis chapter 50 verses beginning from 15 to 26. आज का जो मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय 15 से लेकर 26वें वचन तक, और इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई सीनियर सिटीजन यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस संडे करेंगे। आज का वचन पाया जाता है उत्पत्ति 50 15 से 26 पद तक, जेनेसिस 50 वर्सेस 15 टू 26 वर्स। जब यीशु के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाई के भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई तो की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। So Joseph dwelt in Egypt, he and his father's household, and Joseph lived 110 years. Joseph saw Ephraim's children to the third generation. The children of Machir, the son of Manasseh, were also brought upon Joseph's knees. Then Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will surely come to your aid
and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Then Joseph took an oath from the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. May the Lord God bless the reading and understanding of his word. Now it's time to hear the word of God by Reverend Dr. John R. Vishwas. Let us prepare our heart, mind, and soul to hear the sermon. And also, we will hear the sermon very carefully so we may grab the blessings of God in our lives and we may have hundredfold of fruit throughout this sermon. May God bless him. I'd like to say a few things about the senior citizens. In the Bible also, it is written that those who are elderly people need to be respected and regarded always. And then this is also being done because they are experience holder in their lives. They have gone through the life experience for almost 60, 65, 70, 75, 80 years. And therefore, we need to respect the experience. Physically, they are not so strong now. And this physical body has all its limitations. While they were young, when we were young, our strength was at its maximum level, but now it goes down a little bit. Mitro, jo bujurgiyat ki baat hai, jo senior citizen ki baat hai, uske bare mein main kuch kehna chahta hu, kyunki aaj hum senior citizen Sunday mana rahe hain, aur hum is baat ko jante hain ki jo bujurg hain, jo shark group se jinki umar 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ये उससे ऊपर है, उनके जीवन के बारे में इतना कह सकते हैं कि अब उन्होंने जीवन की दौड़ को पूरी कर लिया, अब ये उनके जीवन का संध्याकाल है और थोड़े समय के बाद, थोड़े सालों के बाद वो निश्चित रूप से इस दुनिया से रलत कर जाएंगे और ये हम सब की अवस्था है और होगी, इसको हम झुठला नहीं सकते। और इसलिए बाइबल के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको बहुत सम्मान दिया गया है कि हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और उनकी सुने, क्योंकि उनके पास अनुभव का एक बहुत बड़ा भंडार है, तजुर्बा, जो पढ़ाई करने से नहीं मिलता है, जो डिग्री हासिल करने से नहीं मिलती है, लेकिन वो मिलता है जीवन के इन अनुभवों के द्वारा। ये अनुभव बहुमूल्य होते हैं और इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई लाइक टू से फ्यू मोर थिंग अबाउट द सीनियर सिटीजन। दे आर इन अ फैमिली एज आर फादर्स, मदर्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड देर आर मेनी अदर रिलेशन दैट वी हैव विद आवर सीनियर सिटीजन। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे आर विद द लॉर्ड एंड दे टीच अस। They are in the fellowship of with the Lord. They teach us how to fear God, how to love God, how to obey Him. And they are our always unpaid teacher. We don't pay them anything, but they respectfully and they concern, they talk with us. And therefore, when we listen to them, we are listening to those people who have gained experience in their lives for many more years, many years. And therefore, they need to be respected. उन्हें हम इसलिए आदर देते हैं कि प्रभु के वचन को वो हमें सिखाते हैं, प्रभु की बातों को हमें सिखाते हैं और वो इस बात को सिखाते हैं कि हमें प्रभु की इच्छा को कैसे मानने की आवश्यकता है, प्रभु के मार्ग में कैसे चलने की आवश्यकता है। हम इस संसार में तो अपने आप में कमजोर हैं, लाचार हैं, लेकिन जब हम बुजुर्गों के सानिध्य में आते हैं, उनसे सीखने की भावना रखते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं और उनका हमें सिखाया जाना, उसके लिए हम कुछ पैसा नहीं देते हैं और जीवन के हर क्षण में हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु के वचनों को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे जानना है, उस पर कैसे ध्यान देना है और उसके अनुरूप कैसे अपने आप को ढालना है। और चौथी बात, द फोर्थ थिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट द सीनियर सिटीजन इज दे आर वॉकिंग विद द लॉर्ड फॉर मेनी मोर ईयर्स।
and therefore they have gone through the hardship of life. They have gone through the problem of disease, of sickness, of pain, and mental torture, and whatever you say, even the tension also. They have overcome all these things, or they have really gone through all these things. Therefore, when we face this type of situation, when we go through this type of situation, it is the senior citizen that we come to them, talk to them, and then they'll discuss about our life, and then in the light of their own experience, they are there to teach us how to overcome this type of situation. It can be physical disease, it can be sickness, it can be anything, spiritual warfare, it can be anything. And because of their experience, we learn and we go and we walk in the Lord, with the Lord, knowing that our people who are in our family, who have been our mentors, our teachers, our parents, our grandparents, they have been in this experience, and out of their experience we learn a lot. मित्रों, जो चौथी बात मैं बता रहा था वो ये है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, वो अपने जीवन की कठिनाइयों में इन बातों को देखा है कि परमेश्वर के साथ कैसे चलने की आवश्यकता। और जब हम अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों में आते हैं तो उनकी तरफ देखते हैं और वो हमारी मदद और सहायता कर। इसलिए हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में और अपने हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा हैं, हमसे साथ 20 साल बड़े, 30 साल बड़े, 40 साल बड़े, हमें उनकी सुननी है और उनका सम्मान करना है। मैं सोचता हूँ कि सारी बातें हम याद रखेंगे जबकि आज हम सीनियर सिटीजन संडे मना रहे हैं। और ये बताया गया मुझे कि अगर ये लॉकडाउन की स्थिति नहीं होता तो हम कुछ और चर्च में कर सकते थे, उनको सामने बुला सकते थे, उनका सम्मान कर सकते थे, उनको कम से कम एक माला और कुछ गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं है। हम लोग 27 तारीख से इस महीने के चर्च को शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने आशीष दें, और इस समय मैं प्रार्थना उनके लिए करूँगा। अब मैं चाहूँगा कि आप जो बुजुर्ग लोग अपने घर के अंदर जहाँ बैठे हैं, आप खड़े हो जाइए। इस समय आपके लिए खास प्रार्थना होगी, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता के समान, माता के समान, दादा दादी के समान, ये हमसे बहुत उम्र में एडवांस है। अगर आप बीमार भी है तो थोड़ी देर आप खड़े हो, अगर हो सकता तो खड़े हो सकते, खड़े हो जाइए। इस समय आपके लिए हम खास प्रार्थना करें। नाउ आई विल ऑफर ए स्पेशल प्रेयर फॉर ऑल आवर सीनियर सिटीजन ऑफ एपिसल मेथडिस्ट चर्च, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टैंड, दोस हु आर सीनियर लेडीज 58 प्लस एंड जेंट्स 60 प्लस। सो वेर एवर यू आर इन योर होम वर्शिपिंग विथ अस, यू मे स्टैंड नाउ, विल ऑफर ए स्पेशल प्रेयर। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के सीनियर सिटीजन के लिए। प्रभु हम जानते कि इन्होंने हमें संभाला, प्रभु हम उनसे हैं, ये हमसे नहीं है। प्रभु उनके वजह से आज हम दुनिया में हैं, उनके विश्वास को देखकर प्रभु जी हमने आप पर विश्वास करा, उनके आत्मिक और सांसारिक परिपक्वता को देखकर हमने अपने जीवन के दोनों बातों को सीखी प्रभु, जो हमें सीखने की आवश्यकता थी। एट दिस टाइम लॉर्ड आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर चर्च कॉन्ग्रीगेशन, मे बी इन हिंदी कॉन्ग्रीगेशन, नेपाली कॉन्ग्रीगेशन, इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन, प्रभु लॉर्ड वी प्रे फॉर दोस हु आर सीनियर एज पर देयर एज, एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर लाइफ्स। आई प्रे गॉड ईच वन ऑफ देम, लॉर्ड यू पुट योर हैंड अपॉन देम एंड ब्लेस ईच वन ऑफ देम लॉर्ड, सो दैट देयर लाइफ्स may be a true blessing to all of us in the days to come. Lord, many of them may be not in good of their health, going through certain sickness or some physical infirmities. Lord, I pray in the name of Jesus, Thou touch them, heal them, and let them glorify Your name. Pray for the family they are in, Lord, their children, their grandchildren, their all relatives who are also praying for them. Lord, I pray that bless them too. Thank you, Lord, that you heard our prayer, and I pray for each one, each senior citizen of Apostle Methodist Church,
Lord, let your hand be upon them, hand of grace, hand of mercy, and hand of love and care. Bless them and use them mightily. Give them many more years. Keep them in good health. Keep them in very good health, Lord. Thank you, Lord, for this pandemic time that you have kept them even in these hard times. And Lord, I pray that let your grace be upon them. Bless them and make their lives continue to bless our lives. In Jesus' precious name I pray. Amen. You may sit down now, our dear respected senior citizen, men and women, and we respect you all. And personally, I salute you. My wife also, we respect each one of you for your experience, for your good advice in our lives. And I request you to continue to do that so that we as a church may grow together for His glory. जो कि पाया जाता है हिंदी मेथोडिस्ट बुक की किताब उसका 239A जिसके बोल इस प्रकार है, यीशु क्या ही प्यारा। आइए हम सब परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और इस सॉन्ग को हम लोग सब मिलकर गाएं। अपनी गोद में वो उठा के
Christians, and my younger sister Angel K, and I are the third generation Christians. Thank you for building a family of love and kindness. And thank you for all that my parents and grandparents have taught me. Grandparents are a valuable resource because they have so many stories to tell and their experiences from their own lives to share. Grandparents also offer a link to a child's cultural heritage and family history. Children understand more of who they are and where they come from through their connection with their grandparents. Thank you. प्रभु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले अपने परमेश्वर का जिन्होंने ये समझ अकल बुद्धि दी कि हम इस प्रोग्राम को मीडिया के द्वारा दिखा सकें। धन्यवाद देती हूँ अपने दोनों पासवानों का कि उन्होंने अपना कीमती समय को दिया इस प्रोग्राम को करने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ यूथ के बच्चों का जिन्होंने ट्रेजरशिप को किया। मैं धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारे कामों में लोगों ने हाथ बटाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने WCS बहनों का जिन्होंने अपनी टेस्ट मनी को शेयरिंग करा। मैं धन्यवाद देती हूँ बहुत सारी बहनों ने और उस भाई ने जो जिन्होंने अपना गीत को दिया, अपना समय निकाल के उस गीत की भी प्रैक्टिस की होगी उन्होंने और बड़े ही सुंदर ढंग से उस गीत को गाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सचमुच उन भाई का और धन्यवाद देती हूँ मैं अपने प्रकाश भैया का जिन्होंने इस प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही मेहनत करी है और इन्होंने बहुत सारा अपना समय इस प्रोग्राम को करने में दिया है ताकि हम सब घर में बैठ के इस प्रोग्राम का बहुत अच्छे से आनंद ले सके हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की। खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। Let us all stand and pray. We thank you Lord for this time that you have given to us. स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। खासकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। प्रभु जी आज हमने उनके लिए प्रार्थना करी। हम जानते हैं प्रभु कि हमारे बुजुर्ग हैं प्रभु, अपना आशीष दें, उनको लंबी आयु दें प्रभु, उनको स्वस्थ रखें और अपनी सेवा के लिए उनको इस्तेमाल करें। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी सीनियर सिटीजन ऑफ आवर चर्च। लॉर्ड आई प्रे दैट ब्लेस देम जीसस एंड मेक देयर लाइफ ए ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर टुडेस ब्लेसिंग इन द वर्शिप एंड थ्रू एवरीथिंग दैट यू हैव डन टुडे, आवर प्रेजेंट वर्शिप एंड सेइंग फ्यू वर्ड्स फॉर आवर एल्डरली पीपल and the sermon and everything, Lord. I hope that you have received our worship, accepted our worship. Now, Lord, you sent us with your benediction and your blessings. And now, with the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit, rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen.